सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो स्वागत है आप लोगों का एक और वन यूआई 4.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 की वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक बहुत ही ज्यादा कमाल के फीचर के बारे में, जो कि आप लोगों को सैमसंग के वन यूआई 4.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का जो अपडेट है उसके अंदर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो कौन सा ये फीचर है आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि वो जो फीचर है उसका आपको नेम देखने को मिलता है रैम एक्सपेंशन। सो आप लोगों ने नेम सुन लिया है, आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा फीचर है और इसका क्या वर्क है। सो बहुत ही कमाल का वर्क है, इससे आप लोगों की फोन की जो रैम है वो 6GB होगी, सो उससे 9GB हो जाएगी और 12GB तक यहाँ पर हो सकती है। और जिन लोगों की रैम यहाँ पर 8GB है सैमसंग के डिवाइस की, उनकी रैम यहाँ पर 13 या फिर 15GB है वहां पर जा सकती है। सो कैसे ये वर्क करता है इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये मेरे पास है एक रियलमी का डिवाइस, रियलमी ओप्पो एंड वीवो के जो स्मार्टफोन है उनके अंदर आपको ये वाला फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और सैमसंग के जो डिवाइस है उसके अंदर आपको ये सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ये जो फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला जो डिवाइस है इसके अंदर भी आपको सॉफ्टवेयर अपडेट है उसके थ्रू ये जो फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिला है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अबाउट फोन को जैसे यहाँ पर ओपन करते हैं यहाँ पर आपको रैम है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, प्लस 3GB का नेम का आपको एक छोटा सा आइकन है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और जैसे ही मैं इस पे यहाँ पर प्रेस करता हूँ यहाँ पर एक ब्रांड न्यू ऑप्शन है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है जिसका नेम है रैम एक्सपेंशन। सो इसको जैसे मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ 2GB 3GB 5GB रैम है वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सो मेरी चॉइस है मुझे 2GB बढ़ानी है, 3GB बढ़ानी है या फिर 5GB बढ़ानी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रैम तो फिक्स होती है उसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो रैम है वो इंटरनल स्टोरेज है उससे फोन है वो यहाँ पर ले रहा है और उसको प्रोवाइड करके आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हो 8+3GB मतलब कि टोटल 11GB की रैम है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अगर मैं 5GB है इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और फोन को यहाँ पर रिस्टार्ट करता हूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो द सेटिंग विल टेक इफेक्ट आफ्टर योर रिस्टार्ट योर फोन। सो जैसे मैं फोन को यहाँ पर रिस्टार्ट करूंगा प्लस 5GB यहाँ पर मेंशन हो जाएगा और टोटल रैम है वो यहाँ पर मुझे 13GB की यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो कि सैमसंग की बहुत ही मतलब कि यहाँ पर फ्लेक्सिबल डिवाइस है उन्हीं के अंदर यहाँ पर देखने को मिलती है। सो ये वाला जो फीचर है वो हमको यहाँ पर सैमसंग के डिवाइस के अंदर बहुत ही जल्दी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बहुत सी लीक आ रही है कि वन यूआई 4.0 का जो अपडेट है उसके अंदर हमको ये वाला जो फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो इसे आप लोग मान के चल सकते हो, पबजी है और जितने भी जो गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी करीना फ्री फायर वो हम लोगों के लिए यहाँ पर खेलना कितने ज़्यादा इजी यहाँ पर हो जाएंगे। स्टोरेज की कोई भी यहाँ पर डर नहीं है क्योंकि रैम है वो फोन यहाँ पर इजीली यहाँ पर मेंशन कर देगा। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक करना और आप लोग यहाँ पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप लोगों ने अभी तक भी नहीं किया है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।